हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के बारे में। तो दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक न्यू अपडेट आया है जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को डार्क मोड का फीचर दिलवाएगा। दोस्तों आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप के अंदर भी डार्क मोड फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको ना कोई मोड ना कोई हैक वर्जन यूज़ करना है, सिंपली आपको ऑफिशियली वर्जन में ये फीचर मिल जाएगा जो कि दोस्तों आपके व्हाट्सएप के सेटिंग्स के अंदर होता है। और इससे आप अपने फ़ोन को डार्क और थीम में यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों जो फीचर है वो हर एक फ़ोन और हर एक डिवाइस के लिए अवेलेबल है और सभी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप दोस्तों जानना चाहते हैं इस फीचर के बारे में, कैसे इसको अपग्रेड करना है, कैसे इसको यूज करना है, तो वीडियो को पूरा देखना और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आपका नॉर्मल व्हाट्सएप दिखा देता हूँ जो कि हम अपने फ़ोन के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं। और ये व्हाट्सएप है जो कि आप अभी देख पा रहे होंगे। और इसके अंदर दोस्तों हमें ऐसा कोई भी फीचर अभी नहीं मिलता है। तो ये व्हाट्सएप दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ये व्हाट्सएप हमारे फ़ोन के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर हमें ऐसा कोई भी अपग्रेड नहीं मिलता है क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल स्टेबल वर्जन है। स्टेबल वर्जन के अंदर हमें हर फीचर बाद में मिलता है, लेकिन जो बीटा वर्जन है उनको अभी मिल गया होगा प्ले स्टोर पर ये अपडेट, और वो जाकर वहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको इसके अंदर दिखा दूँ तो सेटिंग्स के अंदर आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या हमें इसके अंदर डार्क मोड मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे कि आप किसी भी फंक्शन पे जाइए, जैसे कि मैं चैट्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है डार्क मोड का। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी बिल्कुल कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप एक व्हाट्सएप के बीटा यूज़र है, बीटा वर्जन को यूज़ करते हैं, तो जा करके प्ले स्टोर से अपग्रेड कर लीजिए अपने व्हाट्सएप को। वैसे बीटा वर्जन फुल हो चुका है तो आप मुश्किल है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने इसके फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप व्हाट्सएप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यार सब लोग इसके बारे में बता रहे हैं डार्क मोड के बारे में आज सुबह से ही, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना वीडियो बना दूं, क्या परेशानी हो रही है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, फाइल में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जाकर क्लिक करना है। और ये वो जो व्हाट्सएप है आप देख रहे हैं 2.20 और .13, तो ये APK है जो कि ऑफिशियली अपग्रेड है इसका, और इसको अभी हमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए दोस्तों आपको अपना ओल्ड व्हाट्सएप को डिलीट भी नहीं करना है, ना ही आपको उसको डिलीट करना है, ना ही आपको उसे अनइंस्टॉल करना है। आप सीधा अपग्रेड कर सकते हैं और आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, यानी कि जो कि आपके फ़ोन की चैट्स वगैरह होंगी और जो भी आपके मैसेजिंग होंगे वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो बस आपको व्हाट्सएप अपना अपडेट कर लेना है। तो अभी हमने व्हाट्सएप को अपना अपडेट कर लिया है और अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर न्यू व्हाट्सएप आ चुका है जो कि दोस्तों डार्क मोड के फीचर को सपोर्ट करता है। तो अभी हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और फिर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, देन यहाँ पर चैट्स पर आपको क्लिक करना है। और इस बार आप देख रहे एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है थीम का दोस्तों एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको मिलता है सेट बाय बैटरी सेवर और फिर एक लाइट और डार्क। तो डार्क पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ओके करेंगे तो डार्क थीम हमारे फ़ोन के अंदर अप्लाई हो जाती है। तो ये कोई दोस्तों ऑफिशियली मतलब बिल्कुल ऑफिशियल वर्जन है, कोई हैक वर्जन नहीं है, ना ही कोई मोड है, ना ही इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई परेशानी होगी। बस आप इस तरह से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी आप देखें डार्क मोड के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। अब आपका व्हाट्सएप एक बिल्कुल न्यू लुक के अंदर आ गया, मतलब काफ़ी अलग लग रहा है, जिससे कि आपकी बैटरी सेव भी होती है और इससे आइस पे भी कम। तो अगर आप बैटरी सेवर पे यूज़ करेंगे अपने फ़ोन को तो उस समय भी आप इसको सेट बाय बैटरी सेवर पर अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप एक और बार दिखा देता हूँ आपको, आपको 3 डॉट्स पे जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है, देन आपको चैट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा थीम का ऑप्शन और इसके अंदर आप अपना डार्क मोड को अपने फ़ोन के अंदर इनेबल करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यही लगी कि मतलब कोई भी फ़ोन हो आपके पास, कोई भी फ़ोन, उसके अंदर आप सिंपली आप इस व्हाट्सएप को अपग्रेड करिए जो बिल्कुल ऑफिशियली है, और इस तरह से आप उसके अंदर इसको अपग्रेड कर सकते हैं एंड देन आप डार्क मोड फीचर को यूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता ही है व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आप सभी लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।